डिश टीवी का D7000 HD बॉक्स है। कभी बॉक्स खराब होके आए तो आप उसकी वोल्टेज माप सकते हो, उसके आधार पर आप अपना बॉक्स ठीक कर सकते हो। तो चलते हैं इसके मदरबोर्ड की तरफ और कुछ वोल्टेज डिटेल में आपको इसकी दे देता हूं। ये आप देख रहे होंगे इसका मदरबोर्ड है और मैं आपको इसकी वोल्टेज थोड़ा बता देता हूं। 12 वोल्ट डीसी सॉकेट से आते हैं। इसकी ये जो आईसी लगी है रेगुलेटर आईसी, और इस आईसी में इसकी जो आईसी का नंबर है FC3AEF, इस आईसी का नंबर। इसकी जो फर्स्ट पिन है ये वाली आप देख रहे होंगे, इसकी जो फर्स्ट पिन है आईसी की वो है ग्राउंड, और सेकंड पिन पर आएगी इसकी 3 वोल्ट। ये देखो सेकंड पिन पर आएगी इसकी 3 वोल्ट और लास्ट पिन है इसकी सप्लाई की 12 वोल्ट की, और फोर्थ पिन में आएंगी इसकी 1 वोल्ट, 5 पिन पर आएगी इसकी 5.30 वोल्ट, और जो इसकी लास्ट आईसी पिन उस पर आएंगी 9.51 वोल्ट। इसकी जो ये क्वाइल लगी है यहाँ पे आएंगी 3.28 वोल्ट, उसके बाहर भी इतनी ही वोल्टेज उसके कॉइल के पार आएंगी 3.30 वोल्टेज। उसके बाद यहां से सप्लाई होते हुए इस नेक्स्ट आईसी में जाती है, और नेक्स्ट आईसी तो अगर ये वोल्टेज आपको ना मिले यहाँ पे इस आईसी पे, अगर 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है इसकी थर्ड पिन पे और आउटपुट नहीं निकाल रही है सेकंड पिन पे, तो आप समझ जाना ये आईसी खराब है। आप चेंज कर सकते हो, आपका बॉक्स ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसकी फिर इसी के साथ ये दूसरी आईसी लगी है कॉइल के साथ, और इसकी जो आईसी का नंबर है वो भी FC3AEF है, और इसकी वोल्टेज भी हम देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट पिन है ग्राउंड, ये आप वोल्टेज मीटर में देख सकते हो मेरे, इसकी फर्स्ट पिन है ग्राउंड। सेकंड पिन पे आएंगी इसकी 1 वोल्ट के करीब क्वाइल पे जाएगी, और जो इसकी सप्लाई पिन है उस पर 12 वोल्ट ही रहेंगी, और इसकी फोर्थ पिन पे आपको मिलेगी 1 वोल्ट, और 5 पिन पे मिलेगी इसकी 2.95 वोल्ट, और 6 पिन पे मिलेगी इसकी 7.5 वोल्ट के करीब। ठीक है, तो इसकी कॉइल पे हमारी जो आउटपुट निकल रही है ये 1 वोल्ट के करीब निकल रही है, और जो हमारी क्रिस्टल को जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड टॉपिक पर अब मेरी वीडियो अपलोड होती रहेंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आपको अच्छी लगती है ऐसी वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। यहां से जो 1 वोल्ट के करीब हमारी निकल रही है ये जाती है प्रोसेसर के लिए, प्रोसेसर को ऑन करती है ये वोल्टेज। उसके बाद हम आते हैं इसके 11-17 आईसी जो लगी है, नेक्स्ट जो वोल्टेज आएगी वो 11-17 आईसी पे आएगी। यहां पे आ रही है देखो 1.5 वोल्ट के करीब, ये इसका नेगेटिव पॉइंट, और इस पर आ रही है 3 वोल्ट के करीब, 3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अगर यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और ये यहाँ से ये 1.5 वोल्ट के करीब नहीं निकाल रही, तो समझ लो आपकी ये वाली आईसी खराब, आप चेंज कर सकते हो।
उसके बाद हमारी आईसी है, ये देख पा रहे होंगे वीडियो आईसी, और इसका नंबर है D102501, इस आईसी का नंबर है। और इसमें सिर्फ आपको दो पिनों पर वोल्टेज मिलेगी, आप जो इसकी फर्स्ट पिन है वो इसकी वोल्टेज सप्लाई है। ये मैं आपको मीटर रख देता हूँ आपके पास, ये इसकी जो फर्स्ट पिन है ये इसकी 5 वोल्ट की सप्लाई है, और इस पर किसी पे वोल्टेज नहीं मिलेगी। जो इसकी सेकंड लास्ट है इस पर आपको मिलेंगी ये 3 वोल्ट के करीब, बस इस पर 2 ही सप्लाई निकलेंगी। अगर यहाँ से वोल्टेज निकल रही है और यहाँ पे इसकी इनपुट आ रही है वोल्टेज की और आउटपुट निकल रही है, तो ये आईसी ठीक है। और इसका वर्क जो है वीडियो सिग्नल को आपके वीडियो देना है, मतलब इसका काम आईसी का। अगर ये आईसी खराब हुई तो आपकी वीडियो ही नहीं आएगी बॉक्स में, यहाँ भी वीडियो नहीं आएगी और एचडीएमआई पे भी वीडियो नहीं आएगी। तो अगर वीडियो नहीं है सेट में, सब कुछ ऑन होते हुए, तो आप वोल्टेज माप के इसको ठीक कर सकते हो। थर्ड जो हमारी जो फोर्थ आईसी है वो है हमारी सिग्नल आईसी। सिग्नल आईसी आप देख रहे होंगे, ये जो सिग्नल आईसी होती है इस बॉक्स में, मैंने आपको इसकी डिटेल दे दी 11-17 की डिटेल दे दी, और अब वीडियो आईसी की डिटेल दे दी, और अब बचा है हमारा ये आईसी। इस आईसी का नंबर BT1803 है। इसकी जो फर्स्ट पिन है वो ग्राउंड है, और जो इसकी आईसी की फर्स्ट पिन ग्राउंड है, और इसकी जो सप्लाई पिन है वो लास्ट पिन है इसकी। ये देखो इसकी 12 वोल्ट सप्लाई पे ही ऑपरेट होती है, और ये जो जनरेट करती है आईसी हमारी ट्यूनर के लिए वोल्टेज जनरेट करती है। जैसे कि इसकी जो फर्स्ट पिन है वो वोल्टेज आउटपुट की पिन है, लास्ट पिन इसकी इनपुट है, और आउटपुट इसकी पिन है फर्स्ट पिन, वो जो हमारे ट्यूनर को वोल्टेज देती है। 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक हमारी ट्यूनर पे जाती है यहाँ पे, और तब हमारी LNB पे ये वोल्टेज जाती है, तो LNB ऊपर से सिग्नल देती है, तो हमारे प्रोग्राम हम देख पाते हैं। मैं ट्यूनर के पीछे की आपकी वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ट्यूनर पे आप देखो, ये जो ट्यूनर है इसका, इसकी फर्स्ट पिन पे आपको मिलेंगी 13.52 वोल्ट 53, ये LNB की वही वोल्ट है जो हमारी डिश पे ऊपर जाती है LNB के लिए। अगर ये वोल्टेज ना मिले आपको, तो आप इस आईसी की इनपुट चेक कर सकते हो। इनपुट में आपको इसकी 12 वोल्ट है, इस आईसी की इनपुट चेक करके, ये इनपुट इसकी 12 वोल्ट चेक करके आउटपुट चेक कर सकते हो। इसकी फर्स्ट पिन पे अगर नहीं आ रही है तो ये आईसी आप चेंज करके अपना नो सिग्नल वगैरह का जो भी है वो ठीक कर सकते हो। कभी किसी भाई का रिमोट अगर वर्क ना कर रहा हो, तो ये जो इसका IR होता है ना लास्ट वाला, इसमें आप अपनी कोई भी पिन लगा के 2-4 बार ये जैसे पिन भी अंदर बाहर कर सकते हो। उससे कई बार रिमोट इसके अंदर कार बना जाता है, तो रिमोट वर्क नहीं करता है। तो 1-2 बार अगर ऐसा करोगे तो आपका रिमोट भी वर्क करने लगेगा। इस सॉकेट के खराब होने से ही या अंदर कार बनाने से कई बार रिमोट वर्क नहीं करता डिश टीवी का। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। धन्यवाद।